ये जो हीलियो की GAT5 की सीरीज चल रही है, इसमें हमने काफी सारे प्रोसेसर का कंपैरिजन कर लिया है, जैसे कि यूनी 606, यूनी T610, 12, 18, 16 एंड T700 का भी कंपैरिजन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और बात करें और भी प्रोसेसर की, तो जैसे आपको मिला होगा हीलियो का G95, G90T, तो आज मैं फाइंड आउट करूंगा और आप भी देखिएगा लास्ट तक कि कौन सा प्रोसेसर है बेटर, हीलियो G85 या फिर हीलियो का G37। वैसे नाम से और डिफरेंस यहाँ पे देख के लग रहा है कि हीलियो G37 G85 से बेटर नहीं होगा। स्टार्ट करता हूँ सीपीयू एंड गेमिंग के साथ। तो सीपीयू परफॉर्मेंस यहाँ पे हीलियो G85 का स्कोर 24 आता है, G37 का स्कोर 18 आता है। मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको जो हीलियो G85 में बेटर देखने को मिलेगी। एंड आगे मैं इसके आर्किटेक्चर एंड कॉर्टेक्स की बात करूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि G37 में आपको कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। गेमिंग की बात किया तो G85 में स्कोर 17 आता है, हीलियो G37 में स्कोर 7। आगे मैं इसके GPU एंड ग्राफिक्स की बात करूंगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इसमें गेमिंग कैसी हो पाती है। एंड अब बात करते हैं इसके बैटरी लाइफ की। G85 का स्कोर 63 आता है, G37 का स्कोर 63 आता है। अगर यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर में बैटरी सेम दी गई है, तो आपको बैटरी लाइफ भी सेम देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर हैं वो 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। अंतुतु की बात किया तो हीलियो G85 में स्कोर आता है 2,40,240, एंड हीलियो G37 में आता है 1,15,136। बात करें इसके गीक बेंच स्कोर की, तो यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर में हीलियो G85 का स्कोर 361 आएगा, वहीं G37 का स्कोर 180। मल्टी कोर की बात किया तो हीलियो G85 का स्कोर 1,279 आता है, हीलियो G37 का स्कोर 948। 3D मार्क की बात किया तो यहाँ पे हीलियो G85 स्कोर 743 आता है, एंड G37 का स्कोर 200-300 आ सकता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं टिकरू। बेसिक इन्फॉर्मेशन में अनाउंस डेट की बात किया तो हीलियो G85 अनाउंस हुआ था अप्रैल 2020 में, G37 अनाउंस हुआ था जनवरी 2020 में। यहाँ पे उसके क्लास की बात किया तो मिड रेंज इसका क्लास है, एंड हीलियो G37 का भी क्लास मिड रेंज है। वैसे ये प्रोसेसर तो आपको लो एंड वाले ही फोन में देखने को मिलता है। एंड बात करें मॉडल नंबर में, तो हीलियो G85 का मॉडल नंबर है MT6769Z, एंड हीलियो G37 का मॉडल नंबर है MT6765V/CP। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा, उधर आपको अपडेट्स मैं देने की कोशिश करता हूँ। आर्किटेक्चर की बात किया तो यहाँ पे जो दोनों ही प्रोसेसर हैं वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर हैं। हीलियो G85 में 2 कोर 2.0 GHz लव कॉर्टेक्स A75 एंड 6 कोर 1.8 GHz लव कॉर्टेक्स A55 देखने को मिल जाते हैं। वही हीलियो G37 में 4 कोर 2.3 GHz लव कॉर्टेक्स A53 एंड 4 कोर 1.8 GHz लव कॉर्टेक्स A53 देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कॉर्टेक्स A53 जो है आपको कॉर्टेक्स A55 से भी नीचे वाला लोअर वर्जन है ये, तो इसमें परफॉर्मेंस कोर जो लगाई गई है वो कॉर्टेक्स A53 है, इसलिए इसमें परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को नहीं मिलती है। फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो हीलियो G85 2000 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है, एंड G37 2300 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है हीलियो G37 के साथ कि इसमें फ्रीक्वेंसी तो बेटर दी गई है, लेकिन इसमें जो कॉर्टेक्स है वो थोड़ा पुराना दे दिया गया है, इसलिए इसमें परफॉर्मेंस उतनी अच्छी निकल के नहीं आ पाती है। और ये बजट क्या मतलब थोड़ा लो एंड क्लास का प्रोसेसर है, तो इसलिए उसमें ऐसा किया गया है। फैब्रिकेशन की बात किया तो दोनों प्रोसेसर 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ ही आते हैं। एंड अब बात करें इसके ग्राफिक्स में GPU की। हीलियो G85 के पास है माली G52 MP2, जिसका आर्किटेक्चर बाइफ्रॉस्ट है। वहीं हीलियो G37 के पास है पावर VRGE8320, जिसका आर्किटेक्चर रूट। एंड इसके फ्रीक्वेंसी की बात किया है तो यहाँ पे हीलियो G85 में इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 1000 मेगाहर्ट्ज़ का है, G37 का 680 है। जैसे 680 तो स्नैपड्रैगन का है, स्नैपड्रैगन 680 का अगर कंपैरिजन नहीं देखा है तो अभी जल्दी मैंने और सारे वीडियोस के साथ अपलोड किए हैं, तो चैनल पे देख सकते हैं आप। फ्लोटिंग पॉइंट्स की बात किया था हमें, फ्लोटिंग पॉइंट 59 आता है इसका हीलियो का, एंड G37 का आप मान चलिए आपको मिल जाएगा 50 अप्रॉक्स। गेमिंग ग्राफिक्स की बात करते हैं तो हीलियो G85 मोटोरोला G13 से इसका डेटा लिया गया है, G37 का मोटोरोला G22 से। ग्राफिक सपोर्ट में पबजी मोबाइल में 4040 का सपोर्ट आ जाएगा। ग्राफिक सपोर्ट दोनों प्रोसेसर HDI का कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा देर तक आप हीलियो G85 पे खेल पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको परफॉर्मेंस बेटर मिलने वाली है। एंड आप COD मोबाइल की बात किया तो 40 and 30 का सपोर्ट मिलेगा। ग्राफिक सपोर्ट में हीलियो सपोर्ट करता है मीडियम के साथ हाई, एंड हीलियो सपोर्ट करता है मतलब G37 सपोर्ट करता है लो के साथ हाई। असल में अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन और गेम के साथ परफॉर्मेंस टेस्ट करनी है तो पबजी मोबाइल में उतना अच्छा टेस्ट हो नहीं पाता है। COD मोबाइल को डाउनलोड कीजिए, इसमें आपको परफॉर्मेंस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस का एग्जैक्ट पता चलेगा, क्योंकि COD मोबाइल आपको काफ़ी हैवी लोड वाला गेम है, 15-20 GB का गेम आराम से हो जाता है, और अगर वाईफाई भी खेलना है तो आराम से हो ही जाएगा,
भले थोड़ा इस टाइम में पिंग प्रॉब्लम चल रहा है, सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन उस गेम को खेलने के लिए आपको एक काफी अच्छा तगड़ा प्रोसेसर और ऑप्टिमाइज प्रोसेसर चाहिए होता है। तो यहाँ पे मेमोरी की बात की है तो रैम टाइप में दोनों प्रोसेसर LPDDR4X मिल जाएगा। हीलियो G37 में स्पीड थोड़ी कम है, 1600 MHz पे क्लॉक है। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे दोनों प्रोसेसर में EMC 5.1 का सपोर्ट मिलेगा। हीलियो G85 में मैक्सिमम UFS 2.1 का सपोर्ट मिल सकता है। कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है हीलियो G85 वो बेटर है 2K@30fps के साथ। हीलियो G37 में मिलेगा 1K@30fps का मैक्सिमम सपोर्ट। डिस्प्ले में यहाँ पे दोनों प्रोसेसर जो है अलग अलग सेगमेंट से आते हैं। हीलियो G85 में 2520x1080 पिक्सल का सपोर्ट मिलेगा, G37 में 2400x1080 पिक्सल का। कनेक्टिविटी की बात किया तो यहाँ पे 5G सपोर्ट में दोनों प्रोसेसर 5G का सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड 4G सपोर्ट में दोनों प्रोसेसर में मिलेगा LTE Cat 7, ब्लूटूथ में 5.0 एंड वाईफाई में दोनों में मिलेगा वाईफाई 5 का सपोर्ट। विनर की बात किया तो G85 एक क्लियर विनर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। एंड अगर आपको कुछ पसंद आया इसमें से तो कमेंट कीजिएगा, एंड अगर इन दोनों में से भी कोई प्रोसेसर आप यूज कर रहे हैं तो भी कमेंट कर दीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।